हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई अंडररेटेड कनेडियन फाउंड फुटेज हॉरर मूवी एफ्लिक्टेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर्स हैं डेरेक ली और क्लिफ प्राउस, जो आपको लीड रोल में भी दिखाई देंगे। मूवी सच में अलग है, तो अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। इसमें दो दोस्त एक ट्रिप पर जाएंगे और वहीं से चीजें खराब होंगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी हैरान हो जाएंगे और साथ में हम भी। तो ज्यादा देर न करते हुए जल्द से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दो जिगरी दोस्तों की, जो कि वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं डेरेक और क्लिफ। एक साल का ये टूर होगा, जिसे ये कैमरा में रिकॉर्ड करेंगे, फिर एक वेब सीरीज बनाकर नेट पर डालेंगे, क्योंकि ये इंटरनेट पर भी फेमस हैं। ये टूर डेरेक की आखिरी इच्छा है, क्योंकि इसे एवीएम नाम की बीमारी है, जिस वजह से ये कभी भी मर सकता है। इसलिए मरने से पहले ये पूरी दुनिया घूमना चाहता है, लेकिन इसकी माँ और भाई, जो इससे दूर रहते हैं, वो इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि अगर बाहर कहीं पर इसकी तबीयत बिगड़ गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जाकर ही रहेगा। सारा सामान पैक करके वो निकल गए और सबसे पहले वो पहुंचे बार्सिलोना में, जहां पर वो मिले दो और दोस्तों से, इडो और जैक। ये दोनों भी टूर कर रहे हैं अपने बैंड के साथ। कई दिन वहां पर एंजॉय करने के बाद वो चारों पहुंचे पेरिस, जहां पर जैक और इडो का आखिरी शो था। रात में चारों शो में पहुंचे, जहां पर डेरेक मिला ऑड्री नाम की लड़की से और फिर उसे लेकर वो चला गया अपने रूम पर। तब इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना जाकर उसे धप्पा करें। तीनों जल्दी से होटल पहुंचे, पर उल्टा यही धप्पा हो गए, क्योंकि खून से लथपथ डेरेक बेड पर बेहोश पड़ा था। ऑड्री का कोई नामो निशान नहीं, लेकिन उसके कपड़े सारे वहीं पर थे, तो बिना कपड़ों के वो गई कैसे? और चोरी का मामला भी ये नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी चोरी हुआ। वो डेरेक को होश में लाए, लेकिन उसे कुछ भी याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। उसे बस इतना याद है कि ऑड्री ने उसके सर पे वार किया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। तभी इसके माथे पर चोट है और एक चोट है इसकी बाजू पर, जिसके बारे में इसे नहीं पता। क्लिफ बोल रहा था कि हॉस्पिटल चलो, लेकिन हॉस्पिटल जाने से ये डरता है, क्योंकि अगर कुछ बड़ा बता दिया तो टूर कैंसिल, इसलिए वो खुद ही अपने आप को पैचअप कर रहा था। इसके बाद जैक और इडो को बाय बोलकर ये दोनों पहुंच गए इटली में, लेकिन अब डेरेक का मूड पहले जैसा नहीं रहा। पूरे रास्ते वो सोता रहा और अब भी उसे थकान महसूस हो रही है। रूम में जाते ही वो फिर से सो गया और बस सोता ही रहा। फिर अगली दोपहर में क्लिफ ने उसे उठाया और दोनों पहुंचे एक रेस्टोरेंट में। डेरेक को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया, उसी वक्त सारा उगल दिया, बल्कि ज्यादा उगला। क्लिफ अब भी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो नहीं माना, जबकि वो खुद भी जानता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। फिर अगले दिन वो पहुंचे एक वाइनयार्ड में, जहां के मालिक का पालतू पिगलेट क्लिफ को काफी पसंद आया, एज इन क्यूट लगा। लेकिन डेरेक ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके साथ फिर से कुछ हो रहा था। अचानक अपने आप उसकी स्किन जलने लगी, इसलिए वो जल्दी से भागकर शेड में चला गया और क्लिफ ने उसे बाल्टी में पानी लाकर दिया, तब जाकर वो शांत हुआ, लेकिन उसका फेस और हाथ बुरी तरह जल चुके। अब शायद आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है, और अगर समझ गए हो तो कमेंट करके बता दो। वापस रूम पर जाकर क्लिफ डेरेक को समझा रहा था, तो गुस्से में डेरेक ने दीवार में मुक्का मार दिया, तो वो दीवार वहीं से टूट गई, जबकि उस दीवार के अंदर पत्थर थे और पत्थर भी वो अपने हाथों से ही तोड़ रहा था। डेरेक के अंदर सुपर ह्यूमन ताकत आ चुकी थी, तो एक टेस्ट तो बनता ही था। बाहर जाकर उसने एक बड़ा सा रॉक एक ही पंच में तोड़ दिया, फिर एक कार उठाई, जिससे साफ हो गया कि इसकी ताकत बढ़ चुकी है, पर बाकी चीजें भी टेस्ट करनी थी, जैसे कि स्पीड। इसके लिए क्लिफ ने एक स्कूटर पे बैठकर उससे रेस लगाई और वो स्कूटर से काफी आगे भाग रहा था। तो यानी कि सच में ये एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। खुश होते हुए दोनों वापस आ रहे थे, तभी अचानक डेरेक की आंख में कुछ होने लगा। आंखों से लेंस निकालने के चक्कर में उसने पूरी आंख ही बाहर निकाल ली, और अब उसकी दोनों आंखें हो चुकी हैं अलग अलग। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये कोई वरदान है या फिर श्राप। डेरेक ने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं, इसलिए भूख उसे काफी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो कुछ खाने लगता, उसी वक्त उल्टी कर देता। यानी खाने में उसे कुछ और चाहिए, ये आम इंसानों वाला खाना उसकी खास बॉडी नहीं पचा रही। ऊपर से डेरेक का भाई भी लगातार क्लिफ के ऊपर प्रेशर बना रहा था, पर डेरेक इसकी नहीं मान रहा, तो ये क्या करे? वो फिर से डेरेक को समझाने गया, तो डेरेक चिपका हुआ था सीलिंग से। क्लिफ की बातों से परेशान होकर वो क्लिफ को बाहर लेकर गया, ये प्रूव करने कि वो ठीक है। जमीन से जंप करके वो पहुंच गया सीधा बिल्डिंग के ऊपर। इसके बाद स्पाइडरमैन वाली हरकतें करने लगा और उसी की तरह वो एक लंबी जंप लगा रहा था सामने वाली बिल्डिंग तक, लेकिन उसी की तरह गिर गया। फिर अब तो हॉस्पिटल
जाना ही था। दोनों आराम से हॉस्पिटल जा रहे थे और क्लिफ लगा हुआ था व्लॉगिंग में, उसकी वजह से एक कार क्रैश होते होते रह गई तो कार में बैठे दो आदमी उससे भिड़ गए। बदले में डेरिक ने दोनों को शांत कर दिया, पर डेरिक के हाथ पर उनका जो खून लगा था उसे भी डेरिक चाड़ गया और अब तो सारी चीजों का सेंस बन गया। क्लिफ समझ गया कि डेरिक बन रहा है एक वैम्पायर, ताकत इसमें आ चुकी है, सनलाइट से ये जल रहा है और खाना ये खा नहीं रहा क्योंकि इसे चाहिए खून, और ये देन है इसके बाजू वाले घाव की। यानी कि ऑड्री एक वैम्पायर थी जिसने इसके हाथ पर काटा और फिर वो चली गई, पर अब ये भी बन रहा है एक वैम्पायर और अगर इसे खून नहीं मिला तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्लिफ ने एक बुचर से कैटल का खून लाकर उसे दिया, लेकिन उसे पीने के बाद भी उल्टी हुई क्योंकि शायद इसे ताजा खून पीना होगा। इसलिए अब वो सड़क पर घूमकर ताजा खून ढूंढ रहा था और उसकी नजर थी पालतू कुत्तों पर, लेकिन सबके मालिक उनके साथ थे, इसलिए ये दोनों पहुंच गए वाइनयार्ड में और वहां पर डेरिक ने शिकार किया उसी पिगलेट का, लेकिन उसका खून भी हजम नहीं हुआ। इसका मतलब कि इसे पीना होगा इंसानी खून, जिसे लेने वो पहुंचे ब्लड बैंक में, लेकिन डेरिक ने वहां पर भी हंगामा कर दिया जिस वजह से इन्हें भागना पड़ा। तभी सामने से एक एम्बुलेंस आ रही थी तो खून की प्यास में डेरिक ने वो एम्बुलेंस लूट ली। उसमें एक पेशेंट सीरियस हालत में था जिसका बहता हुआ खून देखकर डेरिक भी बह गया। वो मेडिक को ही मारने वाला था पर टाइम रहते क्लिफ उसे ले गया, लेकिन अब डेरिक की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। बिना खून का वैम्पायर कैसा होता है वो आज आप देख लो। उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था और होश उसे था नहीं, वो बस क्लिफ का खून स्मेल कर पा रहा था। तब क्लिफ ने अपना हाथ काट कर उसके लिए थोड़ा खून जमा किया, पर अब थोड़े से उसका क्या होगा। खून लेकर क्लिफ उसके रूम में पहुंचा तो वो रूम में था ही नहीं, वो विंडो से बाहर जा चुका था। तब उसे ढूंढते हुए क्लिफ पहुंच गया उसी वाइनयार्ड में और डेरिक वहीं पर छुपा हुआ था, पर असल में वो डेरिक था ही नहीं, डेरिक तो उसके अंदर कहीं खो गया। खून की प्यास में वो बन चुका था एक मॉन्स्टर, पर क्लिफ ये बात नहीं जानता था इसलिए मारा गया। वो क्लिफ को मारकर उसी का खून पी गया। फिर होश में आने पर उसे पता चला कि उसके हाथों क्या हो गया। इस गिल्ड के साथ वो नहीं जी सकता, इसलिए उसने शॉटगन से अपना भेजा उड़ा लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, जल्दी वो हील भी हो गया। इससे वो समझ गया कि अब वो चाहकर भी नहीं मर सकता, इसी गिल्ड के साथ उसे जीना होगा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ऑड्री, वो ही इसके सवालों का जवाब दे पाएगी। अब वो वेट कर रहा था कि रात होते ही यहाँ से निकलेगा क्योंकि सूरज तो इसे जला देता है, लेकिन दिन में ही उसके पास पहुँच गए इंटरपोल के एजेंट्स उसे अरेस्ट करने, तब मजबूरन उसे दिन में ही बाहर निकलना पड़ा। अब जलते हुए वो गलियों में भाग रहा था और लगातार उस पर गोलियां भी चल रही थी। ऐसे ही जलते फूकते वो फाइनली एक जगह में जाकर छुप गया, तब जाकर उसकी जान बच पाई। फिर कैसे भी करके वो पेरिस पहुंचा और एक खाली वेयर हाउस के अंदर उसने पना ली। इन दोनों के खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं, तो इससे पहले कि ये पकड़ा जाए इसे ऑड्री को ढूंढना होगा। वो सारी फुटेजेस चेक कर रहा था तो उसे पता चला कि उस रात ऑड्री के कपड़ों के साथ साथ उसका फोन भी इसके रूम में रह गया था। अब बस इसे होटल में जाकर उस फोन के बारे में पता करना होगा। वो होटल पहुंचा और फोन उसे मिल भी गया, पर तभी वहां पर आ गया उसका भाई जेसन जो साथ में लेकर आया था पुलिस। अब ना तो डेरिक सरेंडर करने वाला था और ना ही इतना टाइम था कि वो जेसन को सारी बात समझाता, इसलिए जंप करते हुए वो बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गया, लेकिन वहां भी पुलिस तैनात थी। बचने के लिए डेरिक ने एक ऑफिसर को धकेला तो वो लटक गया, तब डेरिक ने उसे बचाना चाहा लेकिन वो नीचे गिरकर मर गया। फिर ऐसे ही गोलियां खाते हुए डेरिक वापस पहुंचा वेयर हाउस में। ऑड्री के फोन में जितने भी नंबर थे उसने सबके पास मैसेज कर दिया कि मुझसे आकर मिलो, इस उम्मीद में कि कोई तो आएगा, और किस्मत से एक आदमी आ भी गया। फिर उसका पीछा करते हुए डेरिक पहुंच गया उसके रूम तक, जहां पर पड़ी थी एक सौ और साथ में ऑड्री की बहुत पुरानी फोटो, जिससे पता चलता है कि ऑड्री एक प्राचीन वैम्पायर है। उस आदमी ने डेरिक के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो डेरिक की टक्कर का नहीं था। उसे वेयर हाउस पर ले जाकर डेरिक ने लाइव स्ट्रीम चालू कर दी ताकि इसे देखकर ऑड्री खुद इसके पास आ जाए। इस आदमी का नाम है मॉरिस और इसकी बॉडी पर लगे कट्स बता रहे हैं कि ये ऑड्री को अपना खून पिलाता है, और एक बात से ये गुस्सा है कि ऑड्री ने डेरिक को वैम्पायर बना दिया लेकिन इसे तो आज तक बनाया नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसे बना देगी तो खून किसका पिएगी, पर इसे तो यही लालच था। वो डेरिक को वार्न करता है कि यहाँ से निकल जाओ इससे पहले ऑड्री यहाँ पर पहुंचे, तब डेरिक कहता है कि मैं उसे मार दूंगा और डेरिक की इस बात पर वो हंस रहा था। अब ऑड्री का तो पता नहीं, लेकिन ऑड्री से पहले वहां पर आ गई पुलिस। डेरिक पूरी तरह छलनी हो चुका था तो पुलिस ने सोचा कि वो मर गया, पर तब सामने आया उसका मॉन्स्टर वाला रूप। एक एक को पकड़कर उसने चीर डाला और पूरी पुलिस फोर्स को लेटाने के बाद उसने अपनी प्यास बुझाई, जिसके बाद वो फिर से होश में आ गया। फिर उसके पास मैसेज आया ऑड्री का, उसने डेरिक को मिलने के लिए बुलाया था एक अबैंडन बिल्डिंग में, तो डेरिक भी वहां पर पहुंच गया और फिर ऑड्री ने बड़े अच्छे से उसका वेलकम किया। उसने डेरिक को धमकी दी कि दोबारा मेरे या मॉरिस के पास आने की कोशिश मत करना। डेरिक उससे पूछता है कि मुझे कोई क्योर बताओ ताकि मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊं। तो ऑड्री बोलती है कि अगर कोई क्योर होता तो मैं खुद ना ठीक हो जाती, ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज होगा, बस
ये सुनकर डेरेक उससे भिड़ गया, पर वो ऑड्री के मुकाबले का नहीं था। वो ऑड्री को बोल रहा था कि मुझे मार दो, तो ऑड्री ने एक वुडन लॉग उसके दिल में घुसा दिया, जिससे वैम्पायर्स मर जाते हैं, पर वो नहीं मरा, क्योंकि इस यूनिवर्स में जो एक बार वैम्पायर बन गया वो मर नहीं सकता, और ना ही उसकी बॉडी उसे मरने देगी। अगर वो जानबूझकर प्यासा रहेगा तो बॉडी खुद अपने लिए खून ढूंढ लेगी। ऐसा डेरेक के साथ भी हो चुका है जब ये मॉन्स्टर बन जाता है। वो कहता है कि मैं हर 10 दिन में किसी इंसान को नहीं मार सकता, तो ऑड्री कहती है कि 10 दिन में नहीं बल्कि हर 3-4 दिन में तुम्हें खून पीना होगा, वरना तुम्हारी बॉडी तुम पर हावी हो जाएगी और फिर डेली अनगिनत जाने लेगी। ऑड्री उसे सलाह देती है कि खून पीना है या नहीं वो तुम्हारे बस में नहीं है, पर पीना किसका है वो तुम्हारे बस में जरूर है, तो बुरे इंसानों का खून पीकर इस दुनिया का भला करो। ऑड्री ने भी डेरेक को इसलिए चुना था क्योंकि ये मरने वाला था, पर जब इसने देखा कि डेरेक जीना चाहता है तो इसने तरस खाकर इसे भी वैम्पायर बना दिया ताकि ये जी सके और पूरी दुनिया घूम सके, पर ये इसकी गलती थी। उसने बोला कि अब मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। बस ये बोलकर वो चली गई। इसके बाद डेरेक अपनी फैमिली और ऑडियंस के लिए एक वीडियो डालता है जिसमें वो बताता है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, अब मैं वो डेरेक नहीं रहा जिसे तुम सब जानते हो। फिर हम देखते हैं कि डेरेक एक आदमी को मारकर उसका खून पी रहा है क्योंकि वो आदमी है एक चाइल्ड मोलेस्टर, यानी कि डेरेक ऑड्री के बताए रास्ते पर चल दिया। यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई, पर आगे एक और सीन है जिसमें हम इटली में घूम रहे 3 दोस्तों को देखते हैं जिनके ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है और वो अटैक किया क्लिफ ने जो कि अब वैम्पायर बन चुका है। तो खूब जमेगा लाल रंग जब मिल बैठेंगे दो वैम्पायर दोस्त। इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। मूवी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तारीफ तो इसकी बनती है क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत सही था। एक प्यारा सा व्लॉग कैसे नाइटमेयर बन जाता है वो देखना थोड़ा अलग था, और हमें ऐसा लगता है जैसे हम भी इस जर्नी में उनके साथ हैं। पर ये एक वैम्पायर मूवी निकलेगी ये बता पाना इम्पॉसिबल था, और कई सीन्स तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसी वजह से इसने कई सारे अवार्ड भी जीते। इसे बनाया गया था $318,000 के बजट में और कमाए थे इसने $121,200। फन फैक्ट ये है कि जैक और एडो को एक साथ काम करके इतना ज्यादा मजा आया कि उन दोनों ने इस फिल्म वाले बैंड को एक असली बैंड बना लिया सेम नाम से। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी, क्या आपने सोचा था कि ये कोई वैम्पायर फिल्म होगी। बाकी अगर और फाउंड फुटेज हॉरर मूवीज देखना चाहते हो तो आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सही रास्ता दिखा सके वीडियो का। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। और गाइस हॉरर हॉल ऑफ फेम की नई वीडियो के लिए कमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर आपको उसका न्यू एपिसोड चाहिए तो जरूर से बता दो, तभी वो एपिसोड आएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।